भाविशा, और ये रिमोट एरिया है तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो अभी मुझे घर पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा भाविशा। चलो मुकुछ तो हमारे अर्जेंट है, अभी मैं जा रहा हूँ, रास्ते में है और हमें सूरजपुरा जाओ बटे मारवाड़ा सूरजपुरा। तो लोकेश का जो अटैक है वो 27 इयर्स में सबसे ज़्यादा जो अटैक हुआ था वो लास्ट ईयर हुआ था, तो 2020 में, तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकेश का अटैक कहाँ पे हुआ है एंड कितना हुआ है, ताकि हम नेक्स्ट ईयर ये एरिया को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। दो मिनट खेत बनाने के 4 मिनट लगता है, उसको नाश करने के लिए गिट को 2 मिनट लगती है, ज्यादा नहीं लगता। 2 मिनट में तो बगैर सब 2 मिनट में सब इतनी संख्या में होता है ना, एक एक हजारों लाखों में संख्या, 10-10 मिनट दो झाड़ू कर दो बगैर सब एक घंटा होकर साफ कर देते, बस वो डाला डाला रहते यहाँ पे एडिट करते हैं दोस्त। उस दुकान में पूछा तीन किसी आपको दिखाता नहीं है, आप तो बधु को राह कर दो तो एरन डाल दे रहे हैं, बधु साफ कर यहाँ पे लोकेश का सबसे बड़ा जो ग्रुप आया था उसकी साइज थी 32 किलोमीटर बाय 8 किलोमीटर, उसका साइज करीबन 64 फुटबॉल पिचेस के बराबर था। और गवर्नमेंट की डिफरेंट T28 से भी ज्यादा टीम्स थी जो ग्राउंड पे लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड थे, मोबाइल वान थे, वो सब फील्ड में लगे हुए थे। काफ़ी सारा फूड इंडिया से एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज में, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई इंडिया के जो गेहूं है उसके टॉप इंपोर्टर्स है। तो अगर इंडिया के अंदर लोकस्ट अटैक की वजह से क्रॉप्स को डैमेज होता है तो इंडिया अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड उसकी वजह से अफेक्ट होता है। तो हमने सोचा कि ये हमारा एक टेक्नोलॉजी को रियल टाइम है जब मार्केट में लाने के लिए, और बस वही पॉइंट था हमारे लिए। का फर्स्ट कंपनी थी हमारी जो लोकेश के लिए स्टार्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट टीम काम कर रही है लेकिन ग्राउंड पे काम कर रही है। तो हमने सोचा कि हमारे पास एग्रीकल्चर ड्रोन है, पेस्ट्री साइज पड़ा है गवर्नमेंट के पास, तो हम उसको लेके क्यों ना यूज करें उसको। मैं प्रदीप पटेल, हितेल मेरा छोटा भाई है एंड काफी क्लोज रिलेशन है, मोर देन दी ब्रदर। प्रदीप भाई मेरे से बड़े हैं, 8 साल बड़े। जब से प्रदीप भाई स्कूल में थे तब से उनका क्रिएटिविटी, लाइक मेकिंग एयरक्राफ्ट बनाना थर्मोकोल से, लाइक वुडन से बनाना, कभी कुछ क्रिएटिव जैसे कि लाइक पैरासूट बना दिया और बड़ा पैरासूट बना के टेरेस से जंप कर दिया। एवरी टाइम जब कोई भी प्रोजेक्ट हो तो मैं उनके साथ ही रहता था, एक असिस्टेंट बोल सकते हैं बचपन से, कुछ भी करना हो तो एक हेल्पिंग हैंड ऐसे ऑलवेज। और जब भी प्रदीप भाई कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते थे जैसे कि रोबोटिक्स का कर दिया या कुछ एयरक्राफ्ट बना दिया, तो उनका काम था डिजाइनिंग करना, बनाना और फ्लाइंग करना, और मेरा काम था उनके एब्सेंस में उसको तोड़ना, बिगाड़ना और उस पर एक्सपेरिमेंट करना। तो हम क्यों ना, हम ये हॉबी हमारी है बचपन से, ऐसे कुछ काम कर रहा है तो अभी हम ड्रोन इंडस्ट्री में बाय प्रोफेशनल हो गए वर्क करने के लिए। एंड हम मैंने फिर उसको जॉब लीव करके खुद का हमने 2019 में प्राइम यूवी का एस्टैब्लिश किया।
जब गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए, तब हम प्राउड भी फील कर रहे थे एंड थोड़े चिंतित भी थे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। अनप्रिडिक्टेबल रेन लोकस्ट जो डेजर्ट एरिया है उसमें प्रोड्यूस होते हैं, फिर वहाँ से मूव होके वो खोराक की मीन्स क्रॉप्स की खोज में वो इंडिया के टूवर्ड मूव होते हैं। ग्लोबली लोकस्ट के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। केनिया, सोमानिया, इजिप्ट, सारे जगह पे ये लोकस्ट का परेशानी चल रहा है। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा था, जैसे कि हमने लोकस्ट को देखा तो वो एक या दो क्वांटिटी में नहीं थे, वो करोड़ों के लाखों के क्वांटिटी में थे, यानी कि उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, उतनी सारी क्वांटिटी थी। ये मैं करके दिखाऊंगा कि इसको मैं खत्म करके दिखाऊंगा, वो लाइक बहुत सारे मोटा पगार वाली नौकरी छोड़ी दी, थोड़ा दुख था। तू व्हेन प्रदीप टोल्ड मी दैट कि उनको बिजनेस करना है, तो आई वाज जस्ट क्राइंग, बिकॉज मुझे ऐसे पता है कि बिजनेस के थोड़े एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। वो लोकस्ट जो राजस्थान पे जो अटैक हुआ था, इट वाज वेरी रिस्की डेज फॉर अस। द रीजन वाज कि COVID-19 भी था और लोकस्ट का वो था, वो अभी मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी कि वो दिन कैसे थे। वो नहीं जाते तो गांव वालों को मतलब प्रॉब्लम होता था, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समझ रहे थे कि नहीं हमको जाना है। यह 64 डेज मैंने वर्क किया है पूरा, हमारी टीम ने, प्राइमरी टीम ने। और उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा फील्ड पे और 3-4 दिन रह के रिटर्न आ जाऊंगा, टीम को सेट करूंगा और रिटर्न आ जाऊंगा। और मैंने जस्ट 3 कपड़े लिए थे मेरे साथ, और 3 कपड़े में मैंने 64 डेज स्पेंड किया है। तो कभी तो ऐसा भी हो गया है कि जैसे कि गाड़ी हम चला रहे हैं 150-200 किलोमीटर चला लिया, लेकिन वो गाड़ी पूरी नींद में चल रही है, यानी कि ऐसे स्टीयरिंग लेके चल रहा है लेकिन पूरी नींद में चल रही है। हम दोनों भाई किसान पुत्र हैं, जिसमें फसल का बहुत महत्व रहता है जो लोकस्ट बर्बाद कर देता है, इसलिए हम ये काम से लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। लोकस्ट में बेसिकली एक हमारे लिए ट्रिकी पॉइंट ऐसा भी था, अगर लेट हो गए तो वहाँ से लोकस्ट मूव हो जाते या फिर लोकेशन पर अवेलेबल नहीं। पिछले साल रात को करीबन 8 से 9 PM हो गया था, लोकस्ट वहाँ पे बैठा था, हमने मोबाइल एंड टॉर्च करके वो जंगल एरिया में जाके सब देखा, तो वो देखने के बाद हमें लोकस्ट का स्पॉट था वो मिला। यहाँ पे बहुत सारा लोकस्ट है यहाँ पे ये लोकेशन पे, तो आशीष को इन्फॉर्म करो कि कल सुबह यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट के लिए प्रिपरेशन करें। ओवर। लोकस्ट एक बर्ड जैसा छोटा इंसेक्ट है जिसका फूड एक क्रॉप्स है। और लोकस्ट के 4 फेज होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए होपर्स, और फिर पिंक लोकस्ट हो गया, फिर उससे ब्राउन लोकस्ट, और सबसे बड़ा है एडर येल्लो। येल्लो जो लोकस्ट होता है वो एगलिंग करता है, और सबसे ज़्यादा जो फूड को डैमेज करता है वो पिंक लोकस्ट है। एक लोकस्ट करीबन अराउंड 2-3 grams क्रॉप्स खा जाता है। वैसे मल्टीपल क्वान्टिटीज में लोकस्ट रहते हैं तो वो काफ़ी सारे फूड्स को डैमेज कर देते, खा जाते हैं। लास्ट ईयर लोकस्ट ऑपरेशन में हमने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन किया है एंड थोड़ी बहुत मिस्टेक भी की है, जो हम ये बार इम्प्रूव कर लेंगे। इस साल हमारा जो इक्विपमेंट है उसको हम अपग्रेड करेंगे, मैक्सिमम एरिया कवर हो सके और जो एंड्यूरेंस है वो ज़्यादा मिले, वैसा हम ट्राई करेंगे।
फ्रीक्वेंटली लोकस्ट आर अटैक नियर टू दी दातीवाड़ा लोकेशन सो वी आर गोइंग ओवर देयर बिकॉज अवर पायलट आर रिक्वायर्ड सम प्रैक्टिस दातीवाड़ा इज द 70 किलोमीटर फ्रॉम द हियर एंड द वेरी रिमोट एरिया Now it's around 94 kilometers, 1.5 hour is there. तो ये पालमपुर लास्ट लोकेशन है उसके बाद हमें आगे खाना कुछ मिलता नहीं है तो हम यहाँ पे रुके एक बॉडी का रिचार्ज करने के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है तीन कर दिन एक पवानी प्लेट आप ही दे जाओ गरम गरम अभी हम जाएंगे दातीवाड़ा जहाँ पे लोकस्ट का अटैक हुआ था लास्ट टाइम हम जब इधर लोकेशन के लिए आए तो ये जो पीछे का जितने भी माउंटेन एरिया है उतने जितना भी ग्रीन आप पेड़ देख रहे हो वो सारी जगह पे लोकस्ट आ चुके थे यानी कि हर एक पेड़ आप देखो उसमें पूरा का पूरा लोकस्ट ने कवर कर चुका था अभी हम यूज कर रहे हैं डेमो के लिए वाटर है ओके प्रैक्टिस के लिए नॉर्मली हम इसमें यूज करते हैं मेलेथियन 96% पॉइजन फील्ड क्या रहता है कि जैसे कि लोकस्ट की क्वांटिटी ज्यादा रहती है तब ड्रोन उसके टॉप पे फ्लाई होता है अगर थोड़ा टाइम सनराइज होगा उस टाइम पे लोकस्ट यानी कि फ्लाई होना स्टार्ट करेगा तो सारे के सारे लोकस्ट आते हैं प्रोपेलर्स में ड्रोन के अंदर तो कभी कभी हमारे ड्रोन बहुत बार गिरे हैं प्रोपेलर्स टूट गए और बहुत डैमेज भी हुआ है जो ड्रोन का कॉस्ट है वो करीबन 15 लाख है उसको ऑपरेशन में संभाल के फ्लाइंग करना वो बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए जो सबसे मेन पॉइंट है पेस्ट्री साइज का बेसिकली टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है लेकिन इसके अंदर जो पेस्ट्री साइज का इन्वॉल्वमेंट है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत डेंजर ताकि ये लोकस्ट को खत्म करते करते हमको खत्म ना कर दे हमने इसमें नोजल्स एंड जो कंट्रोल सिस्टम ऐसा डेवलप किया है जहाँ पे जितनी भी पेस्टिसाइड डालना है टारगेट ओरिएंटेड हम स्प्रे कर सकते हैं जो भी ट्री पे स्प्रे करना है पर्टिकुलर वही लोकेशन पे स्प्रे कर सकते हैं जिससे ह्यूमन एंड एनिमल्स को डैमेज ना हो वो हमारा ये ड्रोन का स्पेशलिटी है ये चेंजेस बहुत छोटा है लेकिन मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ये इंडिया के लिए लोकस्ट ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ा चेंजेस है